हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल कुफिता अवंतिका रसोई पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आज मैं बनाने जा रही हूँ मिनटों में बनने वाला हेल्दी और टेस्टी नाश्ता। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 कप चावल का आटा। आप इसकी जगह पर सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गाइस, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और नमक को अच्छे से आटे में मिक्स कर लेंगे। इसके बाद में हमें क्या करना है, गुनगुने पानी से एक इसका सॉफ्ट सा डो रेडी कर लेना है। गाइस, ये नाश्ता बहुत ही झटपट से बनने वाला है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। आप यकीन मानिए, एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं गारंटी देती हूँ कि आपके घर में सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है ये। तो इसी तरीके से गाइस, हमें क्या करना है, पानी थोड़ा सा गर्म ज़्यादा था तो मैं यहाँ पे स्पून से मिक्स कर रही थी, लेकिन अभी मुझे ठीक लग रहा है तो मैं यहाँ पे हाथों से इस चावल के आटों को जो है गूंद रही हूँ। बहुत अच्छे से गूंदना है इसे। थोड़ा थोड़ा पानी गुनगुना ऐड करते हुए हमें एक सॉफ्ट सा इसका डो रेडी कर लेना है। तो हमारा ये जो डो है वो रेडी हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे प्लेट से ढक देंगे और 10 मिनट का रेस्ट देते हैं। तो जब तक ये डो रेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पर मैंने ओवरनाइट भीगी हुई चना की दाल ली है। आप इसकी जगह वेजिटेबल भी ले सकते हैं, पर मैं यहाँ पे चने की दाल ले रही हूँ। गाइस, अब हमें क्या करना है, चने की दाल को हमें क्या करना है, मिक्सी के जार में आपको इसे डालना है और इसके साथ ही हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जैसे लाल मिर्च, हरी मिर्च, लहसुन और अदरक। इन सारी चीज़ों को आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। साथ में 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे, 1/2 चम्मच साबुत धनिया डालेंगे, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और इसके बाद में हम इसे ढक्कन लगा के ग्राइंड कर लेते हैं बिल्कुल दरदरे पेस्ट में। बहुत ही ज़्यादा इसका जो है फाइन पेस्ट नहीं रेडी करना है। जैसे कि आप वीडियो पे देख पा रहे हैं, दाल हमारी हल्की सी दरदरी है। अब हम आते हैं डो की तरफ। तो डो भी हमारा 10 मिनट हो चुके हैं, रेस्ट अच्छे से ले चुका है। तो यहाँ आप देख सकते हैं डो बहुत ही अच्छा सा रेडी हुआ है गाइस, और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। हमें इस रेसिपी के लिए सॉफ्ट डो ही चाहिए होगा। तो अब हमें क्या करना है, डो को लेंगे हम थोड़े थोड़े पार्ट में और छोटे छोटे से हम इसके पेड़े कट कर लेते हैं। आप जैसे कि वीडियो पे देख पा रहे हैं, इसी तरीके से हमें इसके पेड़े लोइयों को काट लेना है। और इसके साथ ही आपको हाथों की हेल्प से आपको इसको छोटी छोटी पूड़ियों में बना लेना है, जैसे हम पूड़ियाँ बनाते हैं ना। लेकिन हमें इसमें बेलन का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये चावल का आटा है, बेलन से नहीं बेला जा सकता। इसलिए मैं हाथों की मदद से इसे जो है पूड़ियों को शेप देके और जो हमने स्टफिंग बनाई है चना दाल की, उसे मैं स्टफ कर रही हूँ। आप देख सकते हैं, इसको बिल्कुल भी सील पैक नहीं करना है, इसको ओपन ही रखना है। बस कुछ इस तरीके से आपको इसकी शेप दे देनी है। आप जैसे कि वीडियो पर देख पा रहे होंगे, इसी तरीके से हम यहाँ पर दूसरी भी बना के आपको दिखाते हैं। मैंने चावल के आटे की पूड़ियाँ बनाई हाथों से, उसके बाद में जो हमने स्टफिंग बनाई थी उसे भी हमें इसी तरीके से भर देना है इसमें और इस तरीके से इसे पैक कर देना है। तो सारी की सारी मैंने यहाँ पे चावल की पूड़ियों का बना के स्टफिंग भर दी है और आप देख सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब हम चलते हैं गैस की तरफ और कर लेते हैं हम आगे का प्रोसेस। तो गाइस, यहाँ पे मैंने होममेड हमारा स्टीमर रेडी किया हुआ है। अब मैंने इसमें एक रिंग रखी थी, पानी डाला है 1 से 1.5 गिलास और उसके बाद में मैंने एक छन्नी रखी है जालीदार, और मैं यहाँ पे जो मैंने बनाए थे उसे भी मैं यहाँ पे रख दे रही हूँ और बंद कर दे रही हूँ ताकि अच्छे से स्टीम हो जाए। तो गाइस, आप देख सकते हैं करीब 15 मिनट में ये बहुत ही अच्छे से स्टीम हो जाते हैं। इसकी चेक करने का तरीका ये है, ऊपर की जो ये हमने पूड़ियाँ बनाई थी ना, ये बिल्कुल हार्ड हो जाती हैं। यहाँ देखिए, सारी की सारी मैंने स्टीम कर ली हैं। आप चाहे तो चटनी के साथ, केचप के साथ इसे ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं। तो गाइस, इसे हम पहले थोड़ा सा ठंडा हो जाने देते हैं और उसके बाद में मैं इसमें एक तड़का लगाने वाली हूँ। आप चाहे तो इसके पीसेस भी कट करके एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसके पीसेस नहीं कट कर रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत ही स्मॉल साइज़ में इसे बनाया है। तो मैं ऐसे ही इसमें तड़का लगाने वाली हूँ, आप चाहे तो पीसेस कट कर सकते हैं। तो यहाँ तड़का लगाने के लिए मैंने कढ़ाई ली है। कढ़ाई पर मैंने ऑयल डाला है 2 टेबल स्पून। आप ऑयल कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप खाना पसंद करते हैं। ऑयल गर्म होने के बाद 1/2 चम्मच जीरा और सरसों के दाने डालेंगे, साथ ही लंबी कटी हुई स्लाइसेस में हरी मिर्च ऐड करेंगे, इसे फ्राई कर लेते हैं। इसके साथ में थोड़े से करी पत्ते डालेंगे
लेंगे, इसे भी अच्छी तरीके से फ्राई कर लेते हैं। जैसे ही करी पत्ता फ्राई हो जाए और बाकी की सारी चीज़ें फ्राई हो जाए तो यहाँ पे बारीक कटा हुआ प्याज डाल के भी हमें अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। प्याज जब फ्राई हो जाए अच्छे से तो अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे यहाँ पे बारीक कटा हुआ टमाटर। अगर आप टमाटर नहीं पसंद करते तो आप लेमन जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे डालने वाली हूँ एक मैगी मसाला। मेरे बच्चों को मैगी मसाले का फ्लेवर बहुत पसंद है, तो गाइस आप चाहें तो इसकी जगह पाव भाजी मसाला भी ऐड कर सकते हैं या फिर ऐसे ही इसे ड्राई से तड़का लगा सकते हैं। तो ये मसाला डालने के बाद में मसाले को भी अच्छे से भून लेते हैं। इसके बाद में जो हमने बनाए थे हमारे दाल के और चावल के, हमारे जो फरे टाइप के हैं या फिर भकोसा भी आप कह सकते हैं या फिर स्नैक्स कह सकते हैं, इन्हें डालेंगे और इस मसाले के साथ इसे अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए हमें पका लेना है। गाइज ये इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है, एक बार प्लीज़ मेरे कहने से आप इस तरीके से इसे ज़रूर बनाइएगा। यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और मिनटों में बनने वाली ये रेसिपी है। इसे बनाने में मुझे सिर्फ 35 मिनट ही लगे हैं और गाइस ये देखिए ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा लुक वाइज बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और टेस्ट में तो मैं क्या ही बताऊं। आप इसे नॉर्मल किटी पार्टी या नॉर्मल स्नैक्स के यूज़ तरीके भी आप इसे इंजॉय कर सकते हैं, टी टाइम स्नैक या मॉर्निंग स्नैक जैसे चाहें आप इसे बना के इंजॉय कर सकते हैं। गाइस आप मेरी ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी थोड़ी भी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, रेसिपी को आगे से आगे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ऑल का बटन दबाइए ताकि आपको मेरी नई नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिल सके और मुझे आपके कमेंट से मोटिवेशन मिल सके। कमेंट में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम ज़रूर मेंशन कीजिए। तो गाइस देखा फटाफट से बन के तैयार हो गया हमारा ये टी टाइम स्नैक। आप इसे बच्चों के लंच में भी दे सकते हैं और इस समय तो गर्मी का सीज़न मौसम चल रहा है तो ऐसे में कुछ चटपटा खाने का मन तो होता ही, तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।